हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डब्ल्यू बी फ्री मैथ सॉल्यूशन। दिस इज संजना गिरी। वी हैव ऑलरेडी डन चैप्टर 11 परसेंटेज, सो टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 12 मिक्सचर मिश्रण। ओके, सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोगों को मेरे वीडियोज के नए नए अपडेट्स हमेशा मिलते रहें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12 मिश्रण मिक्सचर। ओके, तो मिक्सचर होता क्या है पहले मैं आप लोग को ये बताऊंगी। मिक्सचर मीन्स जैसे कि हम लोग शरबत बनाते हैं, कुछ भी किसी चीज में, जैसे पानी हो, पानी में नमक मिलाते हैं, ठीक है, और चीनी में चीनी पानी मिलाते हैं, दूध में पानी मिलाना, तो ये सब किस अनुपात में यानी कितने रेशियो में हम लोग उसे मिलाते हैं, ये हम चैप्टर 12 में इस टाइप से क्वेश्चन मिलेगा और ऐसा हम लोग सीखेंगे। ओके, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि 36 लीटर डेटॉल जल बनाया गया, जिसमें जल और डेटॉल का परिमाण 5:1 है। उस डेटॉल जल में और कितना डेटॉल मिलाने पर जल और डेटॉल का परिमाण 3:1 होगा, हिसाब करके देखना है। ठीक है, टोटल मेरा डेटॉल का जल कितना है, 36 लीटर, जिसमें जल और डेटॉल दोनों है। ठीक है, और ये किस अनुपात में मिलाया गया है, तो 5:1 रेशियो में इसको मिलाया गया है। ओके, तो हम पहले ये निकालते हैं कि इसमें इस 36 लीटर जो डेटॉल दिया गया है, इसमें जल कितना है और डेटॉल कितना है। ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे कि क्वांटिटी ऑफ वाटर इक्वल टू 36 लीटर है। ठीक है, 36 लीटर है, और मेरा जल और डेटॉल कितना है, 5:1 के रेशियो में है। तो हम लिखेंगे रेशियो ऑफ वाटर एंड डेटॉल इक्वल टू 5:1। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल पार्ट हमारा कितना इसमें वाटर है और कितना डेटॉल है, ये हम लिखेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे लिखते हैं अनुपातिक योग, यानी कि प्रोपोर्शनल एडिशन मेरा यहाँ पे हम पहले निकालेंगे। ठीक है, प्रोपोर्शनल एडिशन अनुपातिक योग इक्वल टू कितना होगा, 5:1 दैट इज 6। ठीक है, ये आप लोग क्लास 7 में इस टाइप से किए हो, प्रोपोर्शनल एडिशन निकालना होता है अनुपातिक योग। सो इसमें अब वाटर मेरा कितना है 36 लीटर में, ये हम निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे वाटर इन 36 लीटर डेटॉल एंड वाटर, या फिर आप 36 लीटर आप लिखो, 5 जो मेरा 5 डेटॉल का है। ठीक है, 5/ अनुपातिक योग यानी कि प्रोपोर्शनल रेशन बाय 6 इंटू 36 लीटर। ठीक है, तो 6 6 36 दैट इज 6 5 30 लीटर। ओके, 30 लीटर मेरा वाटर निकला 36 लीटर में। ठीक है, इसी तरह हम निकालेंगे डेटॉल का, तो लिखेंगे डेटॉल इन 36 लीटर इक्वल टू, डेटॉल का रेशियो मेरा कितना है, 1/6 अनुपातिक योग यानी प्रोपोर्शनल एडिशन इनटू 36, 6 हुआ। ठीक है, यानी कि मेरा जो डेटॉल आया 6 लीटर आया। ओके, डेटॉल मेरा 6 लीटर है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसमें कितना डेटॉल जल और इस डेटॉल जल में और कितना डेटॉल मिलाया जाए कि जल और डेटॉल का अनुपात 3:1 हो। तो अब कितना डेटॉल मिलाया जाए यानी डेटॉल मुझे निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे x मिलाया जा रहा है, क्योंकि हमें पता नहीं है, सो हम लिखेंगे लेट
x after adding x liter, the ratio of, यहाँ आप लोग देखो जैसे लिखा रहता है उसी टाइप से लिखा जाता है, यानी कि कैसे लिखा है, जल और डेटॉल, यानी जल का ये है और डेटॉल का वन है, 3:1, तो रेशियो ऑफ वाटर, रेशियो ऑफ वाटर एंड डेटॉल इक्वल टू 1, 3:1 है, 3:1। सो अब यहाँ आप लोग ध्यान से देखना कि क्या क्या निकला है। वाटर का मेरा है 30 लीटर मेरा निकल चुका है, ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 30:2 डेटॉल, डेटॉल मेरा कितना है 6 लीटर है, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि और x लीटर मिलाने पे मेरा 3:1 हो रहा है, सो हम यहाँ पे 6 प्लस x लिखेंगे, ठीक है, इक्वल टू 3:1, ठीक है। अब इस टू का मतलब होता है बाई, ओके, 30/6 प्लस एक्स इक्वल टू 3/1, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 3:6 प्लस एक्स इक्वल टू 30, ओके, यहां मैं कर दे रही हूं 6 3 18 प्लस 3x इक्वल टू 30, सो यहाँ 3x इक्वल टू 30-18 होगा, ओके, 13-18 होगा यहाँ पे, दैट इज 12, 3x इक्वल टू 12, सो x इक्वल टू 12/3, दैट इज 4 लीटर, ओके, तो ये मेरा जो 4 लीटर आया यही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 लीटर मिलाने पर ही मेरा रेशियो जो है 3:1 हो गया, ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि 4 लीटर डेटॉल शुड बी एडेड इनटू द मिक्सचर, ओके, आप लोग लिख लेना, मेरा जगह नहीं है यहाँ पे, स्पेस नहीं है, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मैं लिख दे रही हूँ, 4 लीटर मिलाने पे मेरा यह मिक्सचर, 4 लीटर डेटॉल मिलाने पे मिक्सचर बनता है, ठीक है, 4 लीटर डेटॉल शुड बी एडेड, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर टू में है कि एक प्रकार के पीतल में तांबा और जस्ता का परिमाण 5:2 है, इस प्रकार के 28 केजी पीतल में 4 केजी तांबा और मिलाने पर जस्ता और तांबा और जस्ता का परिमाण कितना होगा, यह देखना है हमें। अब यहाँ पे देखो आप लोग 5:2 है पीतल में तांबा और जस्ता, ठीक है, तो ये 28 केजी में हमें पहले निकालना होगा तांबा और जस्ता कितना है, जो निकलेगा उसमें इस पीतल में अब 4 केजी जो तांबा है तांबा के साथ एड कर देना है, और उसके बाद फिर तांबा और जस्ता का ये रेशियो निकाल देना है, ठीक है, तो ये हम निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इजी है, सेम उसी तरह से होगा, तो यहां लिखेंगे रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक, रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इक्वल टू 5:2, ठीक है। अब यहां फिर से हम प्रोपोर्शनल एडिशन निकालेंगे, पहले यहाँ पे दे दिया है कि जो मेरा ब्रास है यानी पीतल है 28 केजी है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि टोटल ब्रास इक्वल टू 28 केजी, ओके। अब यहां से हम कॉपर और जिंक निकाल लेंगे, यानी पहले यहां पे प्रोपोर्शनल एडिशन निकालेंगे, प्रोपोर्शनल एडिशन इक्वल टू 5+2 दैट इज 7, ठीक है, तो यहां से हम इस ब्रास में से कॉपर और जिंक निकाल लेंगे, कॉपर इक्वल टू कितना होगा
फाइव, ये वाला फाइव बाई सेवन अनुपातिक योग इंटू 28, सेवन फोर जा 28, दैट इज 5 फोर जा 20, ये 20 केजी कॉपर निकला। इसी तरह हम जिंक भी निकाल लेंगे, सो जिंक इन ब्रास इक्वल टू 2, ये 2 जो जिंक का रेशियो है 2 बाई 7 इंटू 28, 4, 4 टू जा 8, दैट इज 8 केजी, ये जिंक और कॉपर निकल गया। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पीतल में 4 केजी तांबा मिलाने पर तांबा और जस्ता का परिमाण कितना है, ये हमें निकालना है। अब पीतल में 4 केजी तांबा और मिला दिया गया, यानी 20 केजी जो है इसमें और 4 केजी मिला दिया गया है, तो हम लिखेंगे आफ्टर एडिंग 4 केजी मिलाने पर तांबा इक्वल टू, यानी आफ्टर एडिंग 4 केजी कॉपर इक्वल टू कितना हो जाएगा, पहले 20 केजी है अब 4 केजी हम मिला दे रहे हैं, तो मेरा हो जा रहा है 24 केजी। ओके, अब बोला जा रहा है कि 24 केजी जो ये निकला, अब यहाँ पे रेशियो, अब इस जब कॉपर मेरा इतना हो गया तो अब पीतल में तांबा और जस्ता का परिमाण कितना होगा, यानी ब्रास में तांबा और जस्ता का परिमाण यहाँ पे पूछा जा रहा है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सो रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन न्यू ब्रास, नए पीतल में इन न्यू ब्रास इक्वल टू 24 हो गया अब तांबा, तो 24 कॉपर एंड जिंक लिखा है इसलिए मैंने पहले 24 लिया, अब जिंक लूंगी जस्ता यानी कि 8। ठीक है, देखो यहाँ पे आप लोग कट रहा है ये, तो हम काट देंगे 4 से, देखो 4 से कट रहा है या फिर डायरेक्ट 8 से ही काट दे रहे हैं। 8 थ्री जा 24, 8 वन जा 8, दैट इज 3:1 रेशियो आया है यहाँ पे। ठीक है, यही मेरा आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री में बोला जा रहा है कि बीजन बाबू ने फिनाइल और जल 2:23 अनुपात में मिलाकर 60 लीटर फिनाइल का मिश्रण तैयार किया है, इस फिनाइल के मिश्रण में और कितना लीटर फिनाइल मिलाने पर 9:2 फिनाइल और जल का जो परिमाण है वो 9:46 हो जाएगा, यह हमें हिसाब करके देखना है। ये सेम 1 और 2 जैसा है, आप लोग इसे खुद कर लोगे। कैसे करना है, वही पहले लिखेंगे टोटल मेरा फिनाइल का मिश्रण, फिनाइल और जल इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है 60 लीटर, और उसके बाद यहाँ फिनाइल इज टू जल यानी फिनाइल इज टू वाटर इक्वल टू 2:23। ठीक है, उसके बाद यहाँ से अनुपातिक योग यानी कि प्रोपोर्शनल एडिशन निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ से प्रोपोर्शनल एडिशन मेरा कितना निकल रहा है 25, 2+23 दैट इज 25। सो अब यहाँ से हम निकाल लेंगे फिनाइल, फिनाइल इक्वल टू होगा 2/25 इंटू 60। ठीक है, तो इस तरह से मेरा फिनाइल निकल जाएगा। जल उसी तरह से हम निकालेंगे 23/25 इंटू 60, तो यहाँ से मेरा फिनाइल और जल निकल जाएगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फिनाइल के मिश्रण में और कितना लीटर फिनाइल मिलाने पे, यानी हम x लीटर मान लो कि हम फिनाइल मिलाते हैं, तो यहाँ से जो फिनाइल और जल निकला है, मान लो कि यहाँ पे मेरा फिनाइल निकला है 20 और जल, फिनाइल और जल बोला है, तो फिनाइल 20 प्लस x इज टू यहाँ पे मान लो सपोज 40 निकला है, तो इक्वल टू 9:46 होगा। इस तरह से हम निकाल लेंगे, तो यहाँ पे फिर मेरा कितना लीटर फिनाइल मिलाने पे, यानी वो फिनाइल मेरा x यानी कि x का वैल्यू निकल जाएगा, तो वही मेरा आंसर होगा। तो 3 उसी तरह से आप लोग बना लेना। ओके, नंबर 4 में चलते हैं। अमीना बेबी ने 7:1 अनुपात में बालू और सीमेंट मिलाकर एक मसाला बनाया है, लेकिन काम समाप्त हो जाने पर देखा गया कि अभी भी 72 केजी मसाला बचा हुआ है। ओके, अब देखो यहाँ पे 72 केजी जो मसाला है उसमें बालू और सीमेंट का रेशियो कितना है, ये हम निकाल लेंगे 72 से। उसी तरह से
बालू इज टू सीमेंट करेंगे, ठीक है, सैंड इज टू सीमेंट इक्वल टू 7:1, फिर अनुपातिक योग यानी प्रोपोर्शनल एडिशन, उसमें फिर 72 से हम बालू और सीमेंट का वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, उसके बाद अब देखो फिर से यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मसाला में और कुछ सीमेंट मिलाकर बालू और सीमेंट का परिमाण इतना हो गया। अब यहाँ से जो सीमेंट निकला है उतना वो और प्लस एक्स कुछ सीमेंट, यानी हमें यहाँ पे एक्स वैल्यू एक्स का मान रखना होगा, यहाँ एक्स मानेंगे हम, सो सीमेंट इक्वल टू यहाँ पे एक्स मनाकर और रेशियो वहां से 6:1 कर लेंगे। सेम 1 और 2 जैसा है, 3 जैसा है, तो इसी तरह से आप लोग कितना सीमेंट मिलाया गया है ये आप लोग आराम से बना लोगे, बहुत ही इजी है। उसी तरह से 3 और 4 दोनों बन जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, ओके, तब तक के लिए क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग 3 और 4 आप लोग बना लेना, ओके। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।